विज्ञान की इस दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो बहुत दूर हैं, ऐसी जगह जो अलग थलग प्रतीत होती हैं। ये जगह ऐसी हैं जिन्हें वैज्ञानिकों को सिर्फ समझने के लिए संघर्ष करना पड़ा कि ये जगह आखिर ऐसी क्यों हैं। सो लेट एक्सप्लोर साइंटिफिकली इम्पॉसिबल प्लेस दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, वैज्ञानिक रूप से असंभव स्थान जो वास्तव में मौजूद हैं। नंबर 5, उबलती नदी। अमेजोन में एक नदी है जो 4 मील लंबी है, जिसे लोम्बा नाम से जाना जाता है। यह नदी सभी नदियों के विपरीत है। यह नदी अमेजोन नदी की एक सहायक नदी है, जिसे दुनिया में केवल उबलती नदी कहा जाता है। यह नदी 91 डिग्री सेल्सियस से लेकर 196 डिग्री फारेनहाइट जितनी गर्म हो जाती है। यह नदी इतनी गर्म है कि किसी को भी जिंदा उबाल सकती है। अगर कोई जानवर अनजाने में इस नदी का पानी पी लेता है तो उसके मुंह और फेफड़े में पानी भर जाता है और यह सचमुच पक जाता है। आमतौर पर अगर कोई ज्वालामुखी के चारों ओर पानी हो तो वह इतना गर्म हो जाता है जितना इस नदी का पानी गर्म रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के नीचे उबलता हुआ गर्म पानी हो सकता है जो दरारों की रेखाओं से बाहर निकलता है और नदी को गर्म करता है। नंबर 4, कभी ना खत्म होने वाली लाइटिंग स्ट्रॉम। दुनिया में एक ऐसा तूफान आता है जो कभी नहीं रुकता। पश्चिमी वेनेजुएला में केटेम्बो नदी पर यह तूफान हर रात 7 बजे शुरू होता है और हर साल 260 रातों के लिए पानी पर बिजली गिरती है। किसी को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। यह एक सिद्धांत है कि इसके पीछे का कारण शयन कक्ष में यूरेनियम है, लेकिन वैज्ञानिकों को इसमें संदेह है। आज अग्रणी सिद्धांत एक जटिल है। यह बताता है कि पहाड़ों के आकार के कारण गर्म व्यापारिक हवाएं इंडीज से ठंडी हवा से टकराती हैं और उस टकराव के बाद नीचे के तेल से क्षेत्र में तेजी से बाष्पित हो रहे पानी और मीथेन द्वारा ईंधन भरा जाता है। नंबर 3, करचे झील। सोवियत संघ के पास कई परमाणु सुविधाएं थीं और उनमें से अधिकांश गैर योजनाबद्ध और असुरक्षित थीं। इस तरह के एक कारखाने के अंदर एक झील है। झील के अंदर पानी में पृथ्वी पर कहीं और की तुलना में सबसे अधिक रेडियोधर्मी सामग्री है। करचे झील इतनी रेडियोधर्मी है कि आप इसके पास खड़े होने पर सिर्फ 1 घंटे में ही मर जाएंगे। सोवियत संघ ने परमाणु कचरे को झील में फेंक दिया है। उनकी परमाणु प्रथाओं ने अतीत में झील के साथ कुछ समस्याएं पैदा की हैं। साल 1957 में एक विस्फोट ने कारखाने को अलग कर दिया और रेडियोधर्मी कण 2300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैल गए। यह क्षेत्र चेरनोबिल की तुलना में अधिक रेडियोधर्मी है। इन आपदाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए झील को कंक्रीट से ढक दिया गया है। नंबर 2, कैसोरा का डबल ट्री। कैसोरे का डबल ट्री पियामोंटी इटली के ग्रामीण इलाकों में एक असामान्य दृश्य है। यह एक चेरी का पेड़ है जो किसी भी अन्य स्वस्थ चेरी के पेड़ की तरह ज़्यादा मामलों में दिखाई देता है। लोगों का मानना है कि सहतूत के पेड़ के ऊपर एक चेरी का बीज गिरा। बीज ने जड़ें उगाई जो सहतूत के पेड़ के तने से टकराई और आगे बढ़ती गईं और मिट्टी के नीचे तक पहुँच गईं और इसे पूर्ण स्वस्थ पेड़ में बदल दिया। तो यह एक कैसोरे का डबल ट्री है जो 2 पेड़ एक स्वस्थ अवस्था में खड़े हुए हैं। नंबर 1, हेजलडेन लाइट्स। हेजलडेन लाइट हेस्टेलन घाटी में रात में एक बहुत ही असामान्य घटना होती है और इसका एक वैज्ञानिक रहस्य है। लगभग हर रात आसमान में रोशनी दिखाई देती है। वे चमकीले रंग की होती है और वे शिफ्ट आकृतियों के चारों ओर नृत्य करते हैं बिना रुके और फ्लैश करते रहते हैं। केवल रात के दौरान अगले दिन दिखाई देने के लिए फिर से गायब हो जाती है और अगले दिन फिर यही क्रम चलता रहता है। कम से कम 4 दशकों से यह क्रम चल रहा है। वैज्ञानिक इस रहस्य से हैरान हैं कि यह हेजलडेन लाइट आखिर हर रात क्यों दिखाई देती है। तो यह दुनिया के 5 वैज्ञानिक रूप से असंभव स्थान हैं जो वास्तव में मौजूद हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम ऐसे ही रहस्यमय वीडियो बनाते रहते हैं। अब मिलते हैं किसी अगले रहस्यमय वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।